तो हमारा अगला सवाल आपके लिए है, जिन्नात की तख्लीक का मकसद क्या है? कुरान मजीद में इस सवाल का भी जवाब मौजूद है। जब हम पढ़ते हैं सूरह दारियात सूरह नंबर 51 के आयत नंबर 56 में अल्लाह सुबहाना व तआला इरशाद फरमा रहे, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को, यहाँ पर जिन का वर्ड भी है, मैंने जिनों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे अकेले की इबादत करें। तो मकसद क्या है? वही जो इंसान का मकसद बताया गया, यानी ये सारे जितने भी मखलूक़ात हैं ये मखलूक़ात हमारी खिदमत के लिए बनाई गई। सूरह जासिया सूरह नंबर 45 के आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, वसख़्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन मिन्हु, आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है ये सब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए। जैसे इंसानों के बारे में बताया गया, वैसे जिनों के बारे में बताया गया कि इनका भी मकसद ये है कि वह अकेले अल्लाह की इबादत करें। सूरह जिन सूरह नंबर 72 में तो तफसील से बता दिया गया कि वह अन्ना मिन्नल मुस्लिमूना व मिन्नल कासितून, कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान हैं और हम में से कुछ ऐसे हैं जो नाफरमान हैं। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कुछ जिन ऐसे हैं जिन्होंने अपना मकसद पहचान लिया, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जिनों में से ऐसे कई हैं जिनको अभी तक उनका अपना मकसद मालूम नहीं हुआ। इसका मतलब निकला कि जिन आज़ाद नहीं है कि इंसान को जैसे चाहे वो नुकसान पहुंचा दे, अब्दुल्लाह कैटेगरी में उनको भी आना पड़ेगा, अल्लाह की ग़ुलामी में उनको भी आना पड़ेगा, और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। इन सब की डोरी भी अल्लाह सुबहान व तआला के हवाले है और अल्लाह सुबहान व तआला इन पर गालिब है क्योंकि वो अल्लाह के मखलूक़ात हैं। तो जब ये तसव्वुर मेरे जहन में आता है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने मुझे बता दिया इन सब के ऊपर तुम्हारा अपर हैंड है, तो ख़ुद ब खुद कुरान मजीद का रीडर कभी भी ऐसे वहम व गुमान वाले खौफ में कभी नहीं जिएगा इंशाल्लाह। क्यों? इसलिए कि उसके जहन में फौरन बता दिया कुन तुम खैरा उम्मतिन, सूरह आले इमरान उम्मतिन के 110 में बता दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान लाते हैं नेक अमल करते हैं ये लोग हमेशा मखलूक़ात में सबसे टॉप पर हैं। जब ईमान आ गया अमल आ गया तो ईमान अमल कब आता है? इल्म की बुनियाद पर आता है। जब कुरान पढ़ता है एक आदमी, जब उसको एक तसव्वुर दिया जाता है कि तुम पर्सनालिटी लेवल पर तुम पीक पर हो और तुम्हारा मर्तबा ज़्यादा है और ये सब डरने वाले हैं तुमसे, तो ये तसव्वुर इंसान को वहमो ख्याल वाले खौफ से बाहर निकाल देता है।